है दोस्तों, आज का विषय माइलेज के बारे में। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, सबसे पहले शुरुआत में जो मेरा पहला वीडियो था वो इसके बारे में था। उसके बारे में मैं फिर से थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, क्या क्या हिसाब से हम लोग कर सकते हैं माइलेज। तो माइलेज एक्चुअली क्या होता है, माइलेज और एवरेज में फर्क होता है। माइलेज बोले तो एक लीटर पेट्रोल में यानी एक लीटर फ्यूल में हम लोग कितना किलोमीटर हमारा बाइक या हमारा व्हीकल जा सकता है, इसे माइलेज कहते हैं। एवरेज किसे कह सकते हैं, एक घंटे के अंदर यानी हम लोग बोलते सम किलोमीटर पर आवर यानी पर आवर, एक घंटे के अंदर हम लोग कितना किलोमीटर जाते हैं उसको एवरेज बोलते हैं। एवरेज माइलेज का फर्क आप लोगों को पता चला, फिर से बता रहा हूँ। माइलेज बोले तो एक लीटर में हम लोग कितना किलोमीटर जा सकते हैं और एवरेज बोले तो एक घंटे में कितना किलोमीटर हम लोग जा सकते हैं। तो मैं माइलेज के बारे में आज का वीडियो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। माइलेज तो एक्चुअली आप लोग का व्हीकल का या बाइक का माइलेज क्यों कम होता है, उसके अलग अलग कारण होता है। सबसे पहला रीजन होता है वो आरपीएम सेटिंग अगर ठीक से नहीं होगा तो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है आरपीएम सेटिंग के किस प्रकार करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। यह बाकी आपको बताना चाहता हूँ, लोगों आ गया उसका। तो आरपीएम सेटिंग आपका ठीक से होना चाहिए। आरपीएम सेटिंग ये हिसाब से होता है कि जो मिक्सचर का स्क्रू होता है वो ऑक्सीजन जो एयर के अंदर से जो ऑक्सीजन हम लोग को मिलने वाला जो जलाने की कोशिश करता है ऑक्सीजन, यानी गैस बन के हम लोग की बाइक आगे जाने वाली है, फ्यूल को गैस बनेगा, पेट्रोल को जलाते आगे जाने वाली है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जलने के लिए मदद करता है वो, यानी मिक्सर का स्क्रू होना चाहिए ठीक से हम लोग। और जो आरपीएम सेटिंग के समय जो हम लोगों के पास जो कार्बोरेटर होता है उसमें सेटिंग करके हम लोग ये सबसे, तो उसको ध्यान से हम लोगों को देखना चाहिए। जो मिक्सचर सेटिंग होता है उसके बाद जो हम लोग थ्रोटल एयर करते हैं उसका भी स्क्रू होता है जिसना एयर आने वाला है वो, उसके बाद आरपीएम का भी एक सेटिंग का एक स्क्रू होता है, इसका रेशियो ठीक से होना चाहिए। अगर रेशियो ठीक से है तो हमारा फ्यूल ठीक से आ सकता है और हमारा बाइक का माइलेज ठीक समय में अच्छा हो जाता है, बर्बाद नहीं हो जाएगा। यानी मतलब आरपीएम सेटिंग सही होना चाहिए। दूसरा कारण होता है कभी कभी हम लोग के व्हीकल में, जैसे बाइक हो चाहे कोई भी हो, तो इनके व्हील में अगर एयर बराबर प्रेशर में नहीं है, यानी एयर अगर हवा अगर हम लोग ने ठीक से भरी नहीं है, कम हवा है, तो उसके अनुसार भी हमारा माइलेज कम हो सकता है। कभी कभी डबल पिलियन बैठते हैं, कोई कोई तीन जन बैठते, कोई कोई डबल बैठते, उस समय भी अगर एयर अगर कम है व्हील में फिर भी माइलेज का कम हो जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात बोले तो जैसे हम लोग चला रहे हैं तो बाइक चलाते समय हम लोग किए हिसाब से बाइक चलाते हैं वो भी हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। और कोई कोई बच्चे लोग अगर भगा देते धूम धूम करके भगा देते और कुछ तो बीच में आने की वजह से तुरंत समझो स्पीड ब्रेकर आ गया या कुछ आ गया, पत्थर भीतर आ गया, तो ब्रेक भी मारते यानी रुकाते या आहिस्ता आहिस्ता यानी बाइक को स्लो करके, जब जितनी बार ब्रेक मारते हैं तो उस समय हमारा जो गैस बन गया है वो वेस्टेज चला जाता है, वो कुछ काम का नहीं होता, वो वेस्टेज चला जाता है क्योंकि हम लोग ने रुक दिया है, यानी बाइक का जो ब्रेकिंग करके हम लोग रुक जाते हैं। यानी ब्रेकिंग सिस्टम हम लोग को सीखना चाहिए, लेकिन चलाते समय ये हिसाब से चलाना है कि हम लोगों का जो फ्यूल बनेगा गैस बनेगा वो ज्यादा वेस्टेज नहीं होना चाहिए। बार बार भगा दो, बाद में ब्रेक मार दो, इससे कोई मायने नहीं रखता, हमारा माइलेज कम हो जाएगा। और अलग अलग कारण होता है, जैसे हम लोग बोझा भी लेंगे पीछे बाजू कुछ तो रखते बोझा भी एल्फिलियन के हिसाब से, फिर भी हमारा माइलेज कम हो सकता है। गाड़ी को व्हील को ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है, भगाना पड़ता है, यानी ज्यादा अगर हम लोग ने थ्रोटल दे दिया तो ये ज्यादा हम लोग का फ्यूल जलेगा और वो हिसाब से हम लोग की गाड़ी भगेगी, ये भी हम लोग का। तो इसके ऊपर उपाय क्या है, सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन अच्छा है। सबसे पहले हम लोगों को आरपीएम सेटिंग करना चाहिए, आप वीडियो मेरा देख सकते हैं, वो हिसाब से आरपीएम सेटिंग कर दो, फ्यूल ज्यादा नहीं जाएगा। दूसरा तरीका है, ज्यादा करके ब्रेकिंग करने का जरूरत होगी तो ही ब्रेक करना है, नहीं तो ब्रेक करने का जरूरत नहीं। वो जब क्या करते हैं, जैसे स्पीड ब्रेकर आ गया तो उधर स्पीड ब्रेकर आने के बाद तो हम लोग को तो ये गियर तो डाउन करना ही है, लेकिन बहुत जल्द उधर ब्रेकिंग भी करते हैं, कस के ब्रेक मारते मारने का जरूरत है। स्पीड ब्रेकर अगर दूर है तो तभी से हम लोग दूर से थोड़ा सा स्लो करने का कोशिश, थ्रोटल बंद कर दो और स्लो गाड़ी चला दो, ब्रेक ज्यादा करके मारने का जरूरत, अगर ब्रेक मारते तो फ्यूल बर्बाद हो जाएगा यानी हमारा माइलेज कम हो जाएगा। तो आरपीएम सेटिंग ठीक से होना चाहिए, ब्रेकिंग सिस्टम ज्यादा नहीं होना चाहिए, जब जरूरत होगी तभी ब्रेक करना है नहीं तो नहीं करना है। और ऊपर से क्या, हम लोग जो थ्रोटल इस्तेमाल करते हैं घो घो वो नहीं करने का, वो करने की वजह से भी हमारा फ्यूल जलता है और वेस्टेज हो जाएगा, तो उससे माइलेज नहीं बढ़ेगा, माइलेज आप लोगों को कम दिखाई देगा।
उसके बाद जो हम लोग क्लच दबा के जो गियर शिफ्टिंग करते डाउनवर्ड या अपवर्ड वगैरह जो भी करते, तो उस समय भी कोई कोई लोग जो टोटल है इसका कम्बाइनेशन ठीक से नहीं कर सकते, तो ठीक से आवाज आएगा वहां आप लोगों को आवाज आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, हम लोगों का कम्बाइनेशन ठीक से नहीं होता है और हमारा माइलेज कम हो जाता है। यानी माइलेज कम होने का तरीका हम लोग को बता दिया मैंने, तो उसको कैसे बढ़ाना है वो भी मैंने आपको बताया। सबसे पहले आरपीएम सेटिंग करना चाहिए, ब्रेकिंग का सिस्टम ज्यादा नहीं करना चाहिए, ज्यादा घो घो करके चलाने का नहीं है, स्मूथली गाड़ी को चलाने का, बाइक को जितना स्लो और जितना स्मूथली चलाए उतना आपका माइलेज अच्छा रहेगा। जितना भागोगे जितना घो घो करोगे उतना आपका माइलेज ज्यादा चल जाएगा, यानी फ्यूल ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो फ्यूल बचाने के लिए माइलेज बढ़ाने के लिए हम लोग को स्मूथली बाइक को चलाना है। स्मूथली चलाने की वजह से हमारा बाइक का कंडीशन भी अच्छा रहेगा, बाइक में काम नहीं निकलेगा। अगर कोई भी काम होता है तो आप देख सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सुझाव दे सकता हूँ। दूसरी बात बोले तो क्या मतलब होता है, जैसे हम लोग बाइक परचेस करते समय, जैसे मुझे एक जन ने एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि मैं कौन सी बाइक लू, ये लो या वो लो, जैसे हॉर्नेट लो या क्या करो, इंजन ब्रेकर वगैरह ऐसा पूछा था उसने। खेरे का नाम है उनका, अच्छा है लड़का है, तो उन्होंने पूछा, उसको मैंने अच्छा राय दिया है कि वो भी अच्छी बाइक है, लेकिन वो स्पोर्टिंग बाइक है, उसकी समानता वाला अगर दूसरा बाइक बोले तो एक्स ब्लेड है। एक्स ब्लेड और हॉर्नेट दोनों भी एक जैसे ही काम करता है, एक जैसा ये है, सिर्फ एक्स ब्लेड का माइलेज थोड़ा ज्यादा है। तो अगर लेना चाहते तो एक्स ब्लेड ले लो, अगर आपके दिल में अगर हॉर्नेट की बात बैठी है तो हॉर्नेट बाइक भी ले सकते हैं। लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ अगर जो बिगिनर लोग हैं उनके लिए, जिनको शौक है जो पहले से चलाते उनके लिए नहीं, जो बिगिनर लोग हैं उनके लिए, सबसे पहले सीखने के लिए बिगिनर लोगों ने कम सीसी वाली बाइक लेना है, ज्यादा सीसी की बाइक नहीं लेना है। पहले बैलेंसिंग सीखो, ब्रेकिंग सीखो, उसके बाद परचेस करो, क्योंकि परचेस करने का मतलब क्या होता है, हम लोगों को एवरेज देखना पड़ेगा, माइलेज देखना पड़ेगा, उसमें स्पेयर पार्ट्स मिलता है नहीं मिलता है उसको देखना पड़ेगा, क्या खर्चा होगा। गाड़ी तो सब लोग परचेस करेंगे लेकिन पेट्रोल जाने वाला है ना, इसको ध्यान में रखना है। तो हम लोग के काम के लिए है क्या, अगर हमारा बजट उतना है हम लोग खर्चा कर सकते हैं तो ले सकते हैं, अगर हमारा खर्चा उतना ज्यादा करने का नहीं है, यानी इनकम हमारा कम है लेकिन खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो इतना ज्यादा सीसी की गाड़ी इतनी महंगी गाड़ी लेके फायदा नहीं। तो अपने बजट के अनुसार हमें बाइक को परचेस करना है, बाइक ही नहीं ऐसा कोई भी व्हीकल को परचेस करना है, लेकिन एवरेज और माइलेज को देख के करना है वो हिसाब से। नहीं तो बाजू वाले ने लिया, मेरे दोस्त ने लिया, मैं भी एक प्रकार की बाइक ले लूं ऐसा दिमाग में नहीं लाना पा। इसमें क्या होगा, बाइक तो परचेस आप करेंगे लेकिन उसको भोजन तो देना पड़ेगा, यानी फ्यूल तो देना पड़ेगा, पेट्रोल, पेट्रोल की कीमतें तो दिन में दिन बढ़ते जाएंगे, तो बाद में क्या होगा, चारण की मुर्गी बारह का मसाला, ये सब से बात हो सकती है। इसके लिए परचेस करते समय दोस्तों अपने बजट के अनुसार बाइक को परचेस करो, और परचेस करते समय माइलेज और एवरेज का ध्यान रखो और परचेस करो। यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी किए, उसके साथ में बाजू में जो बेल आइकॉन आएगा उसे प्रेस करना ना भूले। अगर आप सब्सक्राइब करते प्रेस आइकॉन को, बेल को अगर प्रेस करते तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल के ऊपर, और मैं जो नया नया वीडियो बनाते रहता हूँ वो सबसे पहले देखने का चांस आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों और एक बात बताना चाहता हूँ, ये बाइक मैकेनिक राइडर मेरा भी चैनल है, इसके अलावा मेरा दूसरा भी चैनल चलता है टेक स्किल एजुकेशन, वो भी आप लोग देख सकते हैं, अच्छा महत्वपूर्ण जानकारी उसमें नॉलेज मिल सकता है। थैंक यू।